गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर, झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि आसमान उलट पड़ा है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे हों। प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। उत्तर, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरमय बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किस अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर, युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं, एक शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं, दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। नंबर 1, यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नंबर 2, इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उत्तर, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्रकृति, छटा सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ दी। नंबर 1, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। नंबर 2, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं, ये 108 होती हैं। नंबर 3, रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। नंबर 4, कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। नंबर 5, यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 6, यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता है। तो बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।